कुलदीप बिश्नोई ने नहीं किया। ना कुलदीप बिश्नोई कुछ कौन करे जी। कुरुड़ा राम जी भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं, क्योंकि वो कुरुड़ा राम जी एक ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने यहाँ के हलके के लिए निरंतर आवाज उठाई है। और जहाँ तक कांग्रेस का उम्मीदवार है वो भारी है, सब लोग जानते हैं उसको, पहले भी यहाँ आए थे। कुलदीप बिश्नोई भारी, कुलदीप बिश्नोई जी भी अमेरिका ही ज़्यादा रहे हैं और बेटा भवे भी कमी दिखाई दे लोगों को, तो इसलिए स्थानीय जो उम्मीदवार है ना वो कुरुड़ा राम जी है, लोग समझते अच्छी तरह से। नमस्कार, मैं दिव्या पांडे, आप देख रहे हैं हरियाणा आज। अभी हम आए हुए हैं कुरुड़ा राम के प्रोग्राम में, जहां वो अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं। आइए यहां पे लोगों से, उनके समर्थकों से जानते हैं कि क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया है। आदमपुर उपचुनाव को लेकर आपकी क्या राय है, क्या आप किस नज़र से देख रहे हो कुरुड़ा राम को? कुरुड़ा राम जी बढ़िया है जी, किसान नेता है। आप उनके साथ? हाँ जी, साथ हैं जी। हमारे तो जो जितने भी किसान हैं वो भी उनके लिए संघर्ष किया है उन्होंने। बीजेपी या कांग्रेस? हम जी पुराने कांग्रेस के हैं जी। आप? हाँ जी। कांग्रेस में इससे पहले? हाँ जी, पुराने कांग्रेस ही थे जी। अब इसमें किसानों की जी आवाज है, किसानों के लिए। हाँ जी, चौधरी जी ने इस्तीफा दिया है किसानों के लिए जी। आप किस पार्टी को? इन्हें लोगों कुरुड़ा राम को। क्यों? कुरुड़ा राम किसान नेता है, बढ़िया आदमी है, समाज सेवी है। तो जीतने के बाद क्या कुछ करने वाले हैं? जीतने के बाद सारे जो किसानों की समस्याएं हैं सारी दूर करेगा। किसानों की क्या क्या समस्या है? किसानों की पानी की है और कई समस्याएं, सड़क की है, बिजली की है, काफी समस्या है जी। कुलदीप बिश्नोई ने नहीं किया? ना कुलदीप बिश्नोई कुछ कौन करे जी। उन्होंने कुछ भी नहीं किया? आप बताओ आप क्या कहोगे इस पे? हम INLD की सपोर्ट करते हैं जी, कुरुड़ा राम जी के। कितने वोट से जीत रहे हैं? कुरुड़ा राम जी जिताना तो जनता ने है, लेकिन आज के दिन किसी भी गांव के बच्चे बच्चे से आप पूछ के दे सकते हो कि कुरुड़ा राम जी भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं, क्योंकि वो कुरुड़ा राम जी एक ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने यहाँ के हलके के लिए निरंतर आवाज़ उठाई है, पानी के लिए संघर्ष किया है, किसानों की आवाज़ को बुलंद किया है। और चौधरी अभय सिंह चौटाला एकमात्र ऐसे नेता है जो किसानों के साथ थे, इसीलिए कुरुड़ा राम जी कांग्रेस को छोड़कर किसान नेता चौधरी अभय सिंह जी का साथ दिया है, और इसीलिए किसान जितने भी साथी हैं वो सब कुरुड़ा राम जी के साथ हैं। और जितना व्यापारी है, क्योंकि जो 3 कृषि बिल लाए थे उनके साथ व्यापारी को भी बहुत बड़ी मार पड़ने जा रही थी, इसलिए किसान और व्यापारी मिलकर के इस सरकार को सबक सिखाने जा रहे हैं। आप क्या कहोगे इस पे कुरुड़ा राम? कुरुड़ा राम जी बड़ी आदमी है, संघर्ष। आप लोग उनके समर्थक हो, आप लोग भाग दौड़ कर रहे हैं उनके लिए। देखिए कुरुड़ा राम जी स्थानीय हैं, उनको सारी समस्याओं का ज्ञान भी है और संघर्ष करते हैं किसानों के लिए, आम आदमी के लिए, मजदूर के लिए, गरीबों के लिए। और जहाँ तक कांग्रेस का उम्मीदवार है वो भारी है, वो सब लोग जानते हैं उसको, पहले भी यहाँ आए थे। JP कुलदीप बिश्नोई भारी नहीं है? कुलदीप बिश्नोई जी भी अमेरिका ही ज़्यादा रहे हैं और बेटा भवे भी कमी दिखाई दे लोगों को, तो इसलिए स्थानीय जो उम्मीदवार है ना वो कुरुड़ा राम जी है, लोग समझते हैं अच्छी तरह से। और कुरुड़ा राम जी संघर्षशील आदमी है, वैसे 40 साल वो कांग्रेस में रहे, 40-42 साल कांग्रेस ने स्थानीय उम्मीदवार को टिकट नहीं दी, उन्होंने महापंचायत की थी यहाँ और उन्होंने कहा था किसी को भी टिकट दे दो स्थानीय को, तो कांग्रेस ने स्थानीय को टिकट दी नहीं, इसलिए महापंचायत ने फैसला करके कुरुड़ा राम जी को अधिकृत किया कि आप चाहे निर्दलीय उठो चाहे किसी पार्टी से उठो हम आपके साथ। तो आज ये पूरा इलाका पूरा हलका कुरुड़ा राम जी के साथ है, उनकी जीत निश्चित है। कुरुड़ा राम जी ने आप लोगों से क्या क्या वादे किए हैं कि जीतने के बाद वो क्या कुछ कर रहे हैं? पानी की समस्या दूर की है कुरुड़ा राम ने, पहले भी कॉल करवाई है, पहले ही कर दी। हाँ जी, और अब आगे क्या करेंगे? उन्हें संघर्ष समिति के वो अध्यक्ष थे, उन्होंने पानी लेने में मदद की है यहाँ पर लोगों की। स्थानीय निवासी है ये, अगर उन्होंने पहले समस्या दूर कर दी तो फिर चुनाव जीतने के बाद क्या आदमी है और स्थानीय नेता है, ये तो भारी नेता है, कुरुड़ा राम ही कुरुड़ा राम है, यहाँ तो जहाँ भी जाते हैं कुरुड़ा राम है। कि उन्होंने पहले समस्या दूर कर दी, चुनाव जीतने के बाद वो क्या समस्या दूर कर? जीतने बाद तो लोगों की मौज कर देगा जी, 8 पिटी ठाट कर देगा, साथ में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है, अभय सिंह है उसके साथ, तो बहुत मौज कर देगा जी। आप क्या कहोगे इस पे?
हम तो ये कहेंगे जीतने के बाद कूड़ा राम जी जैसे विधानसभा में अब जो 90 सदस्य हैं उनमें से अकेले अभय सिंह चौटाला जी हैं जो बोलते हैं, और वो इनकी ओर जाने से उनको वहाँ ताकत मिलेगी, वो 1-11 हो जाएंगे वो, और वो यानी कि और अच्छे से इस हल्के की समस्या को रख सकेंगे और इनका निवारण कर सकेंगे। बोलोगे कूड़ा राम? मेरा गाँव तो बाड़सुंद है और मेरे गाँव में 11,000 वोट है। 11,000 वोट पूरे उन्हीं को जाएंगे? नहीं, 8-9,000 वोट कूड़ा नंबरदार को। बाकी बचे हुए वोट? बाकी फिर बचा के था, एक तरफा इलेक्शन है वहाँ तो गांव बाड़सुंद में। भाजपा कांग्रेस कहीं नहीं? नहीं, कोई नहीं, उनका कोई वोट नहीं। आप क्या बोलो कुर्डा राम की? कुर्डा राम की अच्छी वोट आएंगी, डोबी गांव 5,500 वोट है, 4,000 वोट आ जाएंगे कुर्डा राम को। 4,000 वोट उन्हीं के हैं? तो फिर कांग्रेस और भाजपा कहाँ जा रही है? कांग्रेस और भाजपा दूसरे तीसरे नंबर पर जीतने के बाद। क्या क्या आप लोगों से वादे किए हैं कि क्या क्या समस्याएं आपकी दूर करेंगे? समस्या विकास कार्य करेंगे, बच्चों को नौकरी लगाएंगे, बुढ़ापा पेंशन जो काट रखी है वो दोबारा करेंगे, बच्चों की शिक्षा मुफ्त, जो बच्चा बीमार हो गया शिक्षा के टाइम उसका फ्री इलाज कराएंगे। मतलब इतने वादे उन्होंने आप लोगों से किए? ठीक है। सरकार तो है नहीं तो नौकरी कैसे? सरकार आने पर भी आप इंतजार करेंगे? मतलब सरकार आएगी जी, आगे आएगी 2000। ये बताऊंगे कुरड़ा राम नंबरदार एक संघर्षशील आदमी है, किसानों से जुड़ा हुआ है, किसानों की समस्याएं यानी जो हल रखता करता है, और धरना प्रदर्शन में हर जगह भाग लेते हैं, और निष्पक्ष सर बिल्कुल खेती खड़े ईमानदार आदमी है, और इस बार इसको वोट यानी मौका मिले मांगने का तो ये हल्के का विकास करेगी लोगों के बीच में रह के, न कि चंडीगढ़ विधानसभा में बैठ के या पंचायत में बैठ के यानी लोगों की समस्याएं सुनेंगे। कितने हजार वोट से? किसको? कुर्डा राम कितने हजार? कुर्डा कुर्डा राम के 20-22,000 हूँ जीता जी। 20-22,000 वोट हमारा मूल्यांकन है, ये हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। हाँ, बढ़ भी सकते हैं, यही बोल रहा हूँ मैं। बाकी कह नहीं, हवा ठीक है, लोग बीजेपी से भी नाराज़ हो रहे हैं, कुलदीप से भी नाराज़ है, और कांग्रेस तो जाने वाली है, इसमें 2 स्टेटों में या 3 में रहे राज, इसका इस बार चौटाला साहब की सरकार आएगी आगे, ये चुनाव यानी बड़ा प्रभावशाली है, चुनाव है, बड़ा प्रभाव पड़ेगा लोगों पे इस पर। सत्येंद्र सिंह के लिए कुछ नहीं? सत्येंद्र तो ले जाएगा वोट, ऐसे नहीं कहते हमें, सत्येंद्र ले जाएगा 5-4,000 वोट जरूर ले जी। भाजपा कुर्डा राम में? हाँ जी, हाँ जी, हमारा तो यही है जी, आगे की देखो पब्लिक है। तो ये कुर्डा राम कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं की कुछ क्या कुछ कहना था हमने आपको सुनवाया। कैमरा पर्सन अजीत के साथ मैं दिव्या पांडे।